हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल राइट हैंड के जैसा है, जहां पर इसके पास तीन डोमेन्स प्रेजेंट है। फर्स्ट है थंब डोमेन, दूसरा है पाम डोमेन और तीसरा है फिंगर डोमेन। तीनों डोमेन के पास अपनी एक अलग अलग एक्टिव साइट प्रेजेंट है, जिसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। जो थंब डोमेन है इसके पास प्रेजेंट है एक डिस्क्रिमिनेटर साइट। ये डिस्क्रिमिनेटर साइट डिस्क्रिमिनेट करेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में। डीएनए पॉलीमरेज का काम है सिर्फ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को ही पॉलीमराइज करके डीएनए बनाना। तो ये साइट क्या करेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड को हटा देगा और सिर्फ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को ही यहाँ पर एक्टिव साइट पर रहने देगा और फिर वो आगे पॉलीमराइज हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं पाम डोमेन की। तो पाम डोमेन के पास दो साइट प्रेजेंट है। फर्स्ट है यहाँ पर 5' टू 3' पॉलीमरेज, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेज एक्टिविटी, जो कि मेन एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज की। और दूसरा साइट यहाँ पर प्रेजेंट है 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जो कि अगर कोई गलती से कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर काम करेगा। और फिंगर डोमेन के पास प्रेजेंट है एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसके पास आर्जिनिन, लाइसिन और टायरोसिन काफी ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रहेंगे। तो इनका रोल अभी हम देखेंगे अगले स्टेप में। तो डिटेल में देखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो डीएनए पॉलीमरेज है इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अगर इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीएनटीपी को पॉलीमराइज करना है तो इसको चाहिए दो चीजें। फर्स्ट है यहाँ पर एक प्राइमर, प्राइमर मतलब जिसके पास 3' OH ग्रुप फ्री हो, और दूसरा रहेगा एक टेम्पलेट जिसको कॉपी करके ये प्राइमर को एक्सटेंड कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि जो प्राइमर होता है वो आरएनए के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए बना रही है, लेकिन फिर भी जो प्राइमर है वो आरएनए के फॉर्म में है, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, इसका रीजन ये है कि जो डीएनए डीएनए इंटरेक्शन है वो बहुत वीक होती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें प्राइमर के लेंथ की, तो ये होता है 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। मतलब अगर हम प्राइमर को डीएनए के फॉर्म में लेंगे और उसका लेंथ भी सिर्फ 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि ये यहाँ से निकल जाए। इसलिए यहाँ पर आरएनए के फॉर्म में हम लेते हैं, क्योंकि जो आरएनए डीएनए इंटरेक्शन है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है देन डीएनए डीएनए इंटरेक्शन से। इसलिए एक बार हम आरएनए प्राइमर को ले लेते हैं, जब वो यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगा फिर बाद में हम इसको हटा देते हैं। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो ये एंजाइम साइटोसोल में प्रेजेंट है। और साइटोसोल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा देन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस है राइबोन्यूक्लियोटाइड के इसके एक्टिव साइट पर अंदर आने के लिए। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड इसके एक्टिव साइट पर कैसे जाएंगे, ये ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, इनको फिंगर डोमेन इनको फैसिलिटेट करेगा एक्टिव साइट पर जाने के लिए। तो फिंगर डोमेन के पास जो यहाँ पर टायरोसिन प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, इसके पास एक एरोमेटिक रिंग है, और न्यूक्लियोटाइड्स के पास भी नाइट्रोजनस बेस होता है, उसके पास भी एक एरोमेटिक रिंग है। तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग ऑफ टायरोसिन इंटरेक्ट्स विद एरोमेटिक रिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। फिर उसके बाद जो आर्जिनिन और लाइसिन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंटरेक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, तो यहाँ पर आयोनिक इंटरेक्शन भी आएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक और आयोनिक इंटरेक्शन की वजह से जो न्यूक्लियोटाइड है जो बाहर साइटोसोल में पड़ा था वो अब इसके एक्टिव साइट पर आने वाला है। अब जैसे ही न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगा हाइड्रोफोबिक और आयोनिक इंटरेक्शन से, तो यहाँ पर फिंगर डोमेन में थोड़ा सा चेंज आएगा। ऐसा चेंज आएगा कि वो 40 डिग्री अंदर की साइड रोटेट कर जाएगा। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये तो यहाँ पर फिंगर डोमेन पहले स्ट्रेट था, अब वो 40 डिग्री अंदर की साइड रोटेट कर गया। तो इस रोटेशन से क्या हुआ, तो टेम्पलेट जो पहले बिल्कुल सीधा था स्ट्रेट लाइन, अब वो 90 डिग्री रोटेट कर चुका है। इस 90 डिग्री रोटेशन से क्या होगा कि यहाँ पर जो लगातार बेसिस प्रेजेंट थे, जैसे यहाँ पर टी था, फिर ए था, फिर सी था, अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आ रहा है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, टी के साथ बनाएगा, ए के साथ बनाएगा, कि सी के साथ बनाएगा। तो 90 डिग्री रोटेशन से क्या होगा कि जिसके साथ बॉन्ड बनाना है सिर्फ वही एक्सपोज हो जाएगा। तो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड सिर्फ टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और वहां पर ये स्टेबलाइज हो जाएगा।
अब फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था कि जो थंब डोमेन है इसके पास एक डिस्क्रिमिनेटर साइट प्रेजेंट है। तो फ्रेंड अगर यहाँ पर तो जो ओ हेलिक्स है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड दोनों को ही यहाँ पर स्टेबलाइज करके दोनों को ही अंदर भेज सकता है, यहाँ पर रोल आएगा थंब डोमेन का। तो फ्रेंड्स हमें मालूम है कि जो आरएनए और डीएनए है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आरएनए में जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उनके पास 2'OH होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के पास 2'OH नहीं होता है, सिर्फ 3'OH होता है। तो डिस्क्रिमिनेटर साइट सिर्फ 3'OH को ही एक्टिवेट कर पाएगा। अगर ये राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा तो इसके पास 2'OH भी होगा तो वो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और इसीलिए वो बाद में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ही एक्टिवेट हो पाएंगे। अब हम थोड़ा इसका कैटालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो इसके एक्टिव साइट पर यहाँ पर दो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है जो कि स्टेबलाइज है यहाँ पर एस्पार्टेट रेसिड्यू से, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। एक मैग्नीशियम आयन जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है उसके ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको यहाँ पर स्टेबलाइज कर रहा है, और जो दूसरा मैग्नीशियम आयन है वो 3'OH है उसके साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको नेगेटिवली चार्ज प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब इसको न्यूक्लियोफाइल बना रहा है। अब ये जो 3' ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये अल्फा फॉस्फेट पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। उससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। ये पायरोफॉस्फेट जब रिलीज होगा तो यहीं पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेटेज भी प्रेजेंट रहेगी, वो क्या करेगा इस पायरोफॉस्फेट को तोड़कर दो फॉस्फेट बना देगा और उससे खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी क्या करेगी, काइनेटिक सिलेक्टिविटी करेगी। मतलब इसकी जो कैटालिसिस है उसको हमने नाम दिया है काइनेटिक सिलेक्टिविटी। तो अब यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन चुका है बिटवीन किसके बीच में, ऑक्सीजन और अल्फा फॉस्फेट के बीच में। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH एल्कोहल है और फॉस्फोरिक एसिड है, तो एसिड और एल्कोहल के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो अगर यहाँ पर एसिड की जगह यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड रहेगा तो इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पर हमने देखा है कि अल्फा फॉस्फेट के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है 3'। ये ग्रीन कलर का जो बॉन्ड है ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो कि अभी अभी नया बना है, दो फॉस्फेट रिलीज हो चुके हैं और यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड बनेगा जो एनर्जी रिलीज हुई थी जिसने काइनेटिक सिलेक्टिविटी करवाया था वही एनर्जी क्या करवाएगा, फिंगर डोमेन को वापस अपने ओरिजिनल कन्फर्मेशन पर ले आएगा। जैसे ही फिंगर डोमेन ओरिजिनल कन्फर्मेशन में आएगा तो जो टेम्पलेट जो 90 डिग्री रोटेटेड था अब वो सीधा हो जाएगा, यहाँ पर टी और ए के बीच में बॉन्ड भी बन चुका है। अब क्या होगा, ये डीएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और जो ये वाला 3'OH है ये अब इसके एक्टिव साइट पर आ जाएगा और ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ऐसे ही वीडियो में और डालता रहूंगा आगे चल के। थैंक यू।